नमस्कार, प्रस्तुत छे दूरदर्शन समाचार। सौप्रथम मुख्य समाचारो। कांग्रेसना वॉकआउट वच्चे राज्यसभामां राष्ट्रपतिना धन्यवाद प्रस्ताव परनी चर्चानो जवाब आपता प्रधानमंत्रीए जणाव्युं, काळा नाणा विरुद्धनी लड़ाई राजकीय नहीं, विमुद्रीकरण मुद्दे सरकार अने जनता साथ साथ। आ बाजु लोकसभाए जूनी नोट राखवा पर प्रतिबंध मुकतुं बैंक नोट सुधारा विधेयक, ज्यारे राज्यसभाए मजूर चुकवणी सुधारा बिलने आपी लीली झंडी। 20 फेब्रुआरीथी बचत खातामांथी साप्ताहिक 50,000 उपाड़ी शकाशे। 13 मार्चथी रोकड़ उपाड़ मर्यादा समाप्त। बजेट पछीनी पहली धिराण नीति समीक्षामां मुख्य व्याजदरोमां कोई परिवर्तन नहीं। रेपोरेट 6.25 जयारे रिवर्स रेपोरेट 5.75 यथावत राखती आरबीआई। उत्तर प्रदेश में चूंटणी प्रचार चरमसीमाए। गाजियाबाद में चूंटणी सभा संबोधता प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश ने उत्तम प्रदेश बनावा आप्यो कॉल। विकासना वनवास ने समाप्त करवा भाजपा ने चूंटी काढ़वा करी अपील। सपा ने हिसाब आपवा फेंक्यो पड़कार। तमिलनाडु में नवनियुक्त मुख्यमंत्री शशिकला विरुद्ध मोर्चो मांडता पूर्व मुख्यमंत्री पन्नीरसेल्वम पोतानी पूर्ण बहुमती दावो करता जणाव्यु राजीनामु पाछू खेंचशे। पन्नीरसेल्वम निवेदनों पाछळ डीएमके ना हाथनो शशिकला आक्षेप। त्रासवाद फैलावता तत्वोथी परमाणु शस्त्र दूर राखवाना वैश्विक मंथननु यजमान बन्यु भारत। विदेश सचिव जयशंकरे कह्यु परमाणु हथियार धरावता देश त्रासवाद ने पोषता होवाथी चेते दुनिया। चूंटणी तंत्रमां महत्वनी जवाबदारी दरेक राज्यमां अदा करता अधिकारीओनी बे दिवसीय बैठकनो कच्छना धोरडो खाते आरंभ। चूंटणी प्रक्रियामां गुणात्मक सुधारा अंगे विचार मंथन आवतीकाले राज्यपाल सम्मेलनने संबोधशे। भाजपनी आदिवासी विकास गौरव यात्रा लई कपराड़ा नजीक नाना पौढ़ा गामे पहुंचा प्रदेश प्रमुख जीतुभाई वाघाणी। जंगल जमीनना कायदानो पूरो फायदो आदिवासी समाजने आपवा करी जाहेरात। माता मृत्युदरनु प्रमाण घटाड़वा अने गुणवत्तासभर माता आरोग्य सेवा सुनिश्चित करवा गुजरात सरकार प्रतिबद्ध होवानुं जणावता मंत्री शंकरभाई चौधरी। समग्र राज्यमां दर मासनी 9मी तारीखे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान हेठळ खास क्लिनिकनुं आयोजन। समाचार विगतवार जोईए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीए राष्ट्रपतिना अभिभाषणना धन्यवाद प्रस्ताव परनी चर्चा पर राज्यसभामां जवाब आप्यो हतो। प्रधानमंत्री मोदीए जणाव्युं हतुं के विमुद्रीकरणना निर्णयमां जनता अने सरकार एक साथे छे। तेमणे कह्युं के नकली नोटोना कारणे आतंकवाद अने नक्सलवादने प्रोत्साहन मळे छे। आ साथे ज पीएमए कांग्रेस पर कटाक्ष करता कह्युं हतुं के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहनसिंहनी सरकारमां अनेक कौभांडो थवा छतां मनमोहनसिंह पर एक पण दाग लाग्यो नथी। आ साथे प्रधानमंत्रीए इंदिरा गांधीना समयमां थयेला विमुद्रीकरणना निर्णय उपर पण सवाल उभो कर्यो हतो। दुनिया के अर्थशास्त्रियों के लिए, दुनिया की यूनिवर्सिटीज के लिए ये बहुत बड़ा केस स्टडी बन सकता है। और भारत ने कितना बड़ा निर्णय किया है इसका भी उसी प्रकार से जन सामान्य, देश की जनशक्ति क्या होती है और इस सदन में बैठे हुए सभी महानुभाव से कहना चाहता हूं कि इस नोटबंदी के बाद समाजशास्त्री जरूर अध्ययन करेंगे, पहली बार देश में हॉरिजॉन्टल डिवाइड उभर करके आया है। और जब मैं हॉरिजॉन्टल डिवाइड कहता हूं, जनता जनार्दन का मिजाज एक तरफ और नेताओं का मिजाज दूसरी। हमें संतोष होना चाहिए। आमतौर पर सरकार जब कोई निर्णय करती है तो जनता और सरकार आमने सामने रहती है, बाय एंड लार्ज कोई भी सरकार हो। ये पहली ऐसी घटना है कि कुछ लोग तो उधर थे लेकिन सरकार और जनता साथ साथ। ये देश है जो अपनी भीतर की बुराइयों से बाहर निकलने के लिए मेहनत कर रहा है, तड़प रहा है। ये कोई भी राजनेता हो, दल कोई भी हो, ये हम लोगों के लिए गर्व का विषय है कि इस देश में ऐसे जन हैं, ऐसे नागरिक हैं
जो अपनी बुराइयों के खिलाफ लड़ने के लिए कष्ट झेलने के लिए तैयार होते हैं, कठिनाई झेलने के लिए तैयार होते हैं और बुराइयों से निकलने के रास्ते खोज रहे हैं। लोकसभा में विशेष बैंक नोट विधेयक पसार करवामां आव्युं छे। विधेयक में कोई व्यक्ति द्वारा 10 के तेथी वधु जूनी नोटो राखवा पर दंडनी जोगवाई छे। नाणामंत्री अरुण जेटलीए कह्युं के गैरकायदेसर जाहेर करायेली नोटोने राखवी ते गुनो गणावानो उद्देश्य छे, तेमज आ प्रकारनी नोटोनो अर्थव्यवस्थामां उपयोग अटकाववानो एक प्रयास छे। आ विधेयक गत वर्षे 30 नवम्बरे जाहेर करायेल वटहुकमनुं स्थान लेशे, जेमां 10 थी वधु जूनी नोट राखवा बदल नोटना मूल्यनो 5 गणो के 10,000 रूपियानो दंड करवानी जोगवाई हती। आ उपरांत राज्यसभामां मजूर वळतर संशोधन 2017 विधेयक पण पसार थयुं छे। आ विधेयकमां मालिक द्वारा मजूरोने तेमनी मजूरीनुं वळतर चेक द्वारा के तेमना खातामां सीधू आपी शकाशे। श्रम अने रोजगार मंत्री बांधारू दत्तात्रेय द्वारा रजू करायेल विधेयक गत वर्षे 25 डिसेम्बरे जाहेर वटहुकमनुं स्थान लेशे। श्रम मंत्रीए जणाव्युं के आ विधेयकना कारणे असंगठित क्षेत्रना मजूरोनुं शोषण थतुं अटकशे अने वळतर रूपे वेतन बैंकना खातामां सीधू जमा थशे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाए चावीरूप दरों में कोई फेरफार कर्यो नथी। रेपो रेट में 6.25% अने रिवर्स रेपो रेट 5.75% यथावत राख्यो छे। आरबीआई गवर्नरे वर्ष 2018 में जीडीपी ग्रोथ खूब झड़पथी वधवानुं अनुमान व्यक्त कर्यु छे, तेमज जान्युआरीथी मार्च सुधी में मोंघवारी दर 5% नीचे रहेवानो अंदाज मूक्यो छे। सी अने नाणाकीय वर्ष 2016 छेल्ली क्रेडिट पॉलिसीनी जाहेरात थई गई छे। आरबीआईए आ वखते पण नीतिगत दरों में कोई घटाडो नथी कर्यो। कोईपण जातना फेरफार विना रेपो रेट 6.25% पर यथावत रह्यो छे अने रिवर्स रेपो रेट 5.75% पर यथावत रह्यो छे, ज्यारे सीआरआर पण 4% पर अगाउथी यथावत छे। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेले पत्रकार परिषदने संबोधता जणाव्युं हतुं के मोंघवारीनी आशंकाने जोता व्याज दरों में कोई बदलाव करायो नथी। ध मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी एक्सरसाइज्ड एबंडंट प्रूडेंस in keeping the policy rate on hold while seeing of these transient effects and awaited a clearer and unbiased assessment of inflation. Looking ahead, the committee is dedicated to achieving the target of 4% CPI headline inflation while keeping in mind the objective of growth as mandated by the amendment of the RBI Act and the Gazette notification. जे रीतनो अत्यारना व्यवस्था थई रही छे अने जे रीते फुगाओ एम के वधी ना जाए ने ए बधाने ध्यानमां राखीने रेपो रेटमां एमणे सुधारो कर्यो लागतो नथी। जो के बैंकमांथी रोकड उपाडवानी मर्यादा दूर करवानी जाहेरात करीने आरबीआईए लोकोने मोटी राहत आपी छे। आरबीआईए बचत खातामांथी रोकड उपाडनी मर्यादामां 2 तबक्कामां छूट आपवानो निर्णय लीधो छे, जेमा प्रथम तबक्का में 20 फेब्रुआरी थी बचत खाता में 24,000 ने बदले रूपया 50,000 दर सप्ताहे उपाड़ी सकाशे, जरे 13 मार्च थी दरेक प्रकारना रोकड उपाड़नी मर्यादा दूर कराशे, एटले के त्यारबाद थी लोको पोताना बचत खाता में मरजी मुजब रोकड उपाड़ी सकशे। हवे जे नोटबंदी नी असर नोटबंदी नथी एवू नथी, अत्यारे हवे हुं मानुं छुं कैश इज अवेलेबल अने कोईनी एवी तकलीफ नथी के तेना कैश वगर व्यवहारो अटकता। आरबीआई जणाव्या प्रमाणे 27 जान्युआरी सुधीमां आरबीआईए सिस्टममां 9.92 लाख करोड़नी नवी नोटो ठालवी छे। विमुद्रीकरण पछी 500 अने 1000 रूपियानी आश्रे 15 लाख करोड़नी नोट सिस्टममांथी बहार आवी गई हती अने आरबीआईनी जाहेरात साथे सिस्टममां हवे 65% करंसी पाछी आवी छे, जेथी बैंकमांथी रोकड उपाड़वानी मर्यादा हटाववामां सफलता मळी छे। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, अमदावाद। प्रधानमंत्री मोदीए गाजियाबादमां चूंटणी सभा संबोधी हती। तेमणे यूपीनी चूंटणीने विकासना वनवासने समाप्त करवानी अने विकासनी धारा वहेडावानी चूंटणी गणावी हती। तेमणे समाजवादी पार्टी पर आक्षेप करता कह्युं हतुं के अखिलेश सरकारे 5 वर्षमां यूपीनो सर्वनाश कर्यो छे, महिलाओ यूपीमां असलामत छे अने दीकरीओ शाळाए जता पण डरे छे। पीएमए समाजवादी पार्टीने पोताना कामनो हिसाब आपवा जणाव्युं हतुं। तेमणे कह्युं के ज्यारे यूपीमां भाजपना मुख्यमंत्री बन्या छे त्यारे त्यारे गुंडागीरी बंद थई छे। पीएमए वधुमां उमेर्युं हतुं के यूपीमां युवानोनी योग्यता होवा छतां तेमने नौकरी नथी। व्यापारियों को मैं आज एक और विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस पूरे हिंदुस्तान के व्यापारियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस गाजियाबाद के व्यापारियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, काले धन के खिलाफ मेरी लड़ाई है,
लेकिन ये लड़ाई मेरी बड़े बड़े लोगों के खिलाफ है। ये बड़े बड़े बाबुओं ने जो जमा किया है ना, वो मुझे निकालना है। बड़े बड़े पदों पर बैठ करके लूटा है, उनसे निकालना है। एक गरीब व्यापारी, उसके खिलाफ मेरी सरकार का कोई एजेंडा नहीं है। तमिलनाडुनो राजकीय गरमाओ अत्यारे चरमसीमाए छे। मुख्यमंत्री पदेथी बळजबरीथी दूर करवानो गई रात्रे मुकेलो आक्षेप बाद पन्नीरसेल्वमे आजे पण रोष ठालव्यो हतो। तेमनी जाण वगर धारासभ्योनी बैठक बोलाववामां आवी हती। तेम जणावता पन्नीरसेल्वमे कह्युं के तमिलनाडुनी प्रजा कहेशे तो तेओ राजीनामुं पाछुं खेंचवा पण तैयार छे। ओ पन्नीरसेल्वमे गई रात्रे जे जयललितानी समाधि पर जई ध्यान कर्युं हतुं। तेमणे कह्युं हतुं के जयललितानी इच्छा हती के तेमने कंईक थई जाय तो पन्नीरसेल्वम मुख्यमंत्री बने। अगाउ गईकाले एआईएडीएमके पक्षमां बळवाना सूर जोवा मळ्या बाद पन्नीरसेल्वमना निवेदनोना जवाब आपवा पक्ष प्रमुख शशिकला नटराजन अर्धी रात्रे बहार आव्या हता। तेमणे कह्युं हतुं के पन्नीरसेल्वम मुख्यमंत्री पद माटे योग्य नथी अने तेमणे पक्ष साथे विश्वासघात कर्यो छे। पक्षना तमाम धारासभ्योनो पोतानो टेको होवानी वात पण शशिकलाए करी हती। मुख्यमंत्री पदेथी राजीनामुं आपवा दबाण करायाना पन्नीरसेल्वमना आरोपो फगावीने तेमना निवेदनो पाछळ डीएमके पक्षनो हाथ होवानो आक्षेप कर्यो हतो। राजधानी नवी दिल्ली में परमाणु आतंकवाद मुद्दे त्रिदिवसीय वैश्विक सम्मेलन की आज से शुरुआत थी। अनेक देश 150 प्रतिनिधि आ सम्मेलन में भाग ले रहा है। विदेश मंत्रालय और अणु ऊर्जा विभाग द्वारा योजाये आ सम्मेलन ने विदेश सचिव एस जयशंकरे खुल्लू मूक्यू। तेमणे जणाव्यु हतु कि सारा और खराब आतंकवाद वच्चे भेद करवानी प्रवृत्ति जोखमी है। उल्लेखनीय है कि द ग्लोबल इनिशिएटिव टू कॉम्बेट न्यूक्लियर टेररिज्म की शुरुआत 2006 में रशियन फेडरेशन और अमेरिकाए संयुक्तपणे करी हती। छेल्ला 10 वर्ष में आ संगठन में 86 सभ्य देशों और 5 निरीक्षक संगठनों जोड़ाया छे। कच्छना धोरडो खाते देशना चूंटणी कमिश्नरों की 2 दिवसीय कॉन्फरन्सनो आज थी प्रारंभ थयो छे। देशना संघ प्रदेश सहित 19 राज्यों में 19 मुख्य चूंटणी कमिश्नर और 34 जेटला अधिकारी आ कॉन्फरन्स में भाग ले रहा है। उल्लेखनीय है कि चूंटणी प्रक्रिया में केवी रीते गुणात्मक परिवर्तन लावी शकाय ए अंगे विचार मंथन कराई रह्यु छे। पंचायत विधानसभा और लोकसभा की चूंटणियों में चूंटणी सुधारणा ने लगता मुद्दा उपरांत ग्राम्य और पछात विस्तारों में चूंटणी समय वधु मतदान थाय तेमज नवा मतदारों ने मतदान माटे केवी रीते जागृत करी शकाय आ तमाम मुद्दाओं पर कॉन्फरेंस में खास चर्चा विचारणा करवामां आवशे। त्यारे गुजरातना राज्यपाल ओपी कोहली आवतीकाले आ सम्मेलन ने संबोधित करशे। हम लोग मिलते हैं कि एक दूसरे से ये जानकारी प्राप्त कर सकें कि हमारे क्या अनुभव रहे, क्या चुनौतियां हमारे सामने आई, उनका हमने क्या किस तरह से निराकरण किया चुनावों को आयोजित करने में। हमारा एक ही उद्देश्य है, हम सबका मिलकर के सामूहिक उद्देश्य हमारा एक ही है कि हम ये यहाँ से लौट के जाएं, दूसरे राज्यों के अनुभवों के आधार पर हम अपने राज्य में भी बेहतर काम कर सकें। इस कॉन्फ्रेंस में हम स्टेट इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड विभिन्न राज्यों में जो मुद्दे हैं उनकी चर्चा करते हैं और आपस में एक्सपीरियंस शेयरिंग करते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में महामहिम राज्यपाल भी कल आने वाले हैं और वो भी हमें उद्बोधन करने वाले हैं। गुजरात भाजपना सुकानी जीतुभाई वाघाणीए आज आदिवासी गौरव यात्रा ने लई वलसाड जिल्ला में प्रवेश कर्यो हतो अने कपराड़ा नजीक आवेला नाना पौड़ा गामे जाहिर सभा में हाजर रहा था। आदिवासी नेता ने वनमंत्री गणपतभाई वसावा सहित दक्षिण गुजरातना तमाम सांसद और धारासभ्य आ प्रसंगे हाजर था। जंगल जमीन खेड़वाना हक तथा गौण वन पैदाश जंगल में वेचाण माटे एकठी करवानो अधिकार आपवा माटे भाजपे उठावेली जहमतनी रूपरेखा श्री वाघाणीए आ प्रसंगे आपी हती। शिक्षण आरोग्य और रोजगारी जेवा त्रण परिबळनो बंदोबस्त आदिवासी समाज ने गरीबी में सदंतर बहार काढशे तेवो विश्वास सौ वक्ताए व्यक्त कर्यो हतो। आदिवासी गौरव विकास यात्रा आदिवासियों ने गौरव अपावा माटे निकळेली भारतीय जनता पार्टी की यात्रा में आज वलसाड में कपराड़ा विधानसभा सीट में आप जो रहा जो प्रकार 8-10 हज़ार लोग कांग्रेस की विधानसभा सीट में आज जे प्रेम थी भाव थी आदिवासी समाज नु भारतीय जनता पार्टीए नरेन्द्र भाई ने विजयभाई रूपाणी आनंदीबेन केशुभाई वगैरह मुख्यमंत्री जे प्रकार काम कर्या छे ने छेल्ले विजयभाई पैसा एक्टनो कायदानो नियमों बनावीने जे अमल करायो छे मने एम छे आदिवासीना जीवन में बदलाव माटेनो सौथी मोटो ऐतिहासिक निर्णय छे।
गुजरात सरकार माता मृत्युनु प्रमाण घटाडवा तथा गुणवत्तासभर माता आरोग्य सेवाओ सुनिश्चित करवा कटिबद्ध होवानु आरोग्य राज्यमंत्री शंकरभाई चौधरीए जणाव्युं छे। दूरदर्शन साथेनी खास मुलाकातमां एमणे जणाव्युं के समग्र राज्यमां प्रतिमासनी 9मी तारीखे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान हेठळ जाहेर आरोग्यनी संस्थाओ खाते खास क्लिनिकनुं आयोजन करवामां आवे छे। माननीय प्रधानमंत्रीशीनी मन की बात कार्यक्रम दरमियान करेल आई प्लेस फॉर नाइन आह्वान ने अनुसरीने खानगी स्त्री रोग निष्णात अने खानगी तबीब पण सगर्भा माताओं ने पूर्व प्रसूति सेवाओं ने निःशुल्क आपवा माटे ना आ अभियाननी अंदर जोड़ाया छे। सगर्भा अवस्था दरमियान बीजा अने त्रिमासिक गाळानी जोखमी सगर्भा माताओं ने वेला जो ओळख अने समयसर सारवार निष्णात तबीबोना मार्गदर्शन नीचे मळे तो आ अभियान ने वेग मळे अनेक माताओं ने बचावी शकाय। तापी जिला एंटी करप्शन टीम द्वारा सोनगढ़ खाते आवेला सिंचाई विभागनी पेटा कचेरी में फरज बजावता डेप्यूटी इंजीनियर ने कॉन्ट्राक्टर पासेथी 15,000 नी लांच लेता रंगे हाथे झड़पी पाड्या हता। तापी जिल्लाना कुकरमुंडा तालुकाना पेशावर गामे चाली रहेल तळावना बांधकाम साथे संकळायेल कॉन्ट्राक्टर ने तेना निकळता बिलना नाणा मंजूर करावामांथी अने बिल मंजूर थता सिंचाई पेटा विभागनी कचेरीना डेप्यूटी इंजीनियर अरविंद भिखुभाई महालेए कॉन्ट्राक्टर पासे लांच मांगी हती। ऑडियो वीडियो साथे कॉन्ट्राक्टरे एसीबी ने जाण करता एसीबी ए छटको गोठवीने डेप्यूटी इंजीनियर ने 15,000 नी लांच लेता झड़पी पाड्या हता अने गुनो नोंध्यो हतो। आंगे एसीबी ए वधु तपास हाथ धरी छे। અમે લાંચના છટકાનું આયોજન કરેલું એમાં સોનગઢ સિંચાઈ પેટા વિભાગ પંચાયત સિંચાઈ પેટા વિભાગના માહલા અરવિંદભાઈ માહલાના રૂપમાં 15,000 ની લાંચ ની માગણીમાં લાંચ લેતા રંગિયા ઝડપાયેલા છે। गतिशील गुजरातना विकासनी हरणफाळमां राज्य सदाय अग्रेसर रह्युं छे त्यारे सरेराश मासिक आवकमां देशमां गुजरात अन्य राज्यों करता मोखरे छे। औद्योगिक मूडीरोकाण होय के पछी रोजगार आपवामां गुजरात हमेशा देशना अन्य राज्यों माटे प्रेरणारूप रह्युं छे। गुजरात देशनुं ग्रोथ एंजीन गणाय छे तेमां पण बंदरो अने कार्गोना वाहनमां गुजरात देशनुं प्रवेश द्वार पण मनाय छे। केटलीक एवी बाबतो छे के जेमां नजीकना भविष्यमां देशनो कोई पण राज्य गुजरातनी बरोबरी नहीं करी शके। औद्योगिक क्षेत्रे मूडीरोकाण मेळवामां गुजरात हमेशा देशमां नंबर वन रह्युं छे। परिणाम स्वरूपे देशमां गुजरात आर्थिक रीते सद्धर राज्य गणाय छे त्यारे एक अहेवाल प्रमाणे मासिक आवकनी स्थितिमां गुजरात अन्य राज्योनी सरखामणीमां मोखरे छे। गुजरातना 27% लोकोनी मासिक आवक 20,000 जेटली छे तेनी सामे देशनी सरेराश राष्ट्रीय आवक 19.6% छे एटले के देशना सरेराश 19.6% लोको महीने 10-20,000 जेटलू कमाय छे જ્યારે મહિને રૂપિયા 50,000 જેટલું કમાતા લોકોની સંખ્યા ગુજરાતમાં 15% છે અને દેશમાં તે સંખ્યા 10.8% છે। ગુજરાત ઘણા વર્ષોથી એક ગ્રોથ એન્જિન તરીકે ભારતનું છે। જે ઉદ્યોગિક રોકાણ થયા છે એમાં ખાસ કરીને ઓટોમોબાઈલનું હબ બની રહ્યું છે। એ બધામાં પગારના સ્કેલ ખરેખર ઊંચા હોય છે અને ગુજરાતમાં રહેવાનું સ્તર પણ વધુ ઊંચું હોવાથી ખર્ચા વધુ છે એ પ્રમાણે આવક પણ એમની વધારે હોય છે। Employment in terms of jobs, jobs काफ़ी अच्छे हैं and then there are multiple business opportunities in Ahmedabad and other cities of Gujarat. So that way I would say कि yes, Gujarat एक self-sufficient state है और in fact उसने अपने आप को दूसरे state से काफ़ी better prove किया है आज तक। મહત્વનું છે કે ગુજરાતની સામે હંમેશા મહારાષ્ટ્રને મૂકવામાં આવે છે। લોકોની માસિક આવકમાં મહારાષ્ટ્રની કુલ વસ્તીના 23.3% લોકો માસિક રૂપિયા 10-20,000 જેટલું કમાય છે અને મહિને રૂપિયા 50,000 સુધીની આવક હોય તેવા 13.3% લોકો છે। અહીંયા ગુજરાતમાં નોકરીનો કોઈ પ્રશ્ન નથી કારણ કે અહીંયા ગુજરાતની માથાદીઠ આવક બીજા બધા સ્ટેટ કરતાં ઘણી સારી છે તો નોકરીનો અહીંયા કોઈ પ્રશ્ન નથી। અહીંયાનો યુવાન ગુજરાતનો યુવાન આરામથી મહિને 10-15,000 રૂપિયા કમાઈ શકે છે। દેશભરમાં રોજગારી આપવામાં ગુજરાત નંબર વન રહ્યું છે તેમાં પણ મહિલાઓને રોજગારી આપવામાં પણ ગુજરાત મોખરે છે ત્યારે આ સર્વે પ્રમાણે દેશના ગ્રોથ એન્જિન તરીકે ગણવામાં આવતા ગુજરાતનો કોઈ જવાબ નહીં। બ્યુરો રિપોર્ટ દૂરદર્શન સમાચાર અમદાવાદ।
સુરેન્દ્રનગરના ધાંગધ્રા તાલુકામાં આવેલ મિલિટરી સ્ટેશન દ્વારા એક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં શહેરની અલગ અલગ સ્કૂલો અને આર્મી પબ્લિક સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ, વિદ્યાર્થિનીઓ, શિક્ષકો અને આચાર્યો હાજર રહ્યા હતા. આ કાર્યક્રમમાં આર્મી દ્વારા દેશની રક્ષા ઉપરાંત કોઈપણ જગ્યાએ ભૂકંપ, સુનામી કે પૂર આવે ત્યારે લોકોને મદદ કેવી રીતે કરી શકાય છે તે અંગે વિસ્તૃત માહિતી આપવામાં આવી હતી. કાર્યક્રમમાં 400થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકોને બ્રિગેડિયર SS બક્ષી દ્વારા દેશની રક્ષા કરવા સાધનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરાય છે અને આર્મી દ્વારા કેટલી વારમાં કેવી રીતે તોપ દ્વારા દુશ્મનોને જવાબ આપવો તેની શોર્ટ ફિલ્મ અને મોક ડ્રિલ દર્શાવવામાં આવ્યું હતું. આર્મીના જવાનોએ રિહર્સલ કરીને સાધનોના પ્રદર્શન સાથે માહિતી આપી હતી. આ સાથે 120 બાળકોને એક દિવસ આર્મી કેમ્પમાં રાખીને રાયફલ શૂટિંગ કેવી રીતે થાય છે તે દર્શાવવામાં આવ્યું હતું. આર્મી બ્રિગેડિયર આર્મીમાં જોડાવા શું કરવું, કઈ લાઇન લેવી તે અંગે માર્ગદર્શન આપ્યું હતું. સમજો સુધી સીમિત રહેલા ગઝલ જેવા સાહિત્ય પ્રકારને જન જનના દિલો દિમાગ પર હુકુમત કરવાનો પરવાનો આપનાર જગજીતસિંહની જન્મજયંતિ હોવાથી દોલત અને શોહરતના બદલામાં શું શું ખપે છે તે યાદ કરી લઈએ. ગઝલ ગાયકીને એવરેસ્ટની ઊંચાઈ બક્ષનાર જગજીતે સાબિત કરેલું કે ગીત ગઝલ સારા હોય તો બધાને મજા પડે, પણ જેમણે ખરેખર જિંદગીમાં પ્રેમ કર્યો હોય તેને જ ગઝલમાં સાચી મજા પડે. પ્રાણ ફૂંકવાનો ઇલ્મ એવા ગાયકને હસ્તગત હોય છે જેને દેવી સરસ્વતીના પરમ આશીર્વાદ હોય. ગાયકમાંથી ગઝલ સમ્રાટ બનવા સુધીની જગજીતની સફળતાને આ વાત લાગુ પડે છે. યે દોલત ભી લે લો, યે શોહરત ભી લે લો, ભલે છીન લો મુઝસે મેરી જવાની, મગર મુઝકો લોટા દો બચપન કા સાવન, વો કાગઝ કી કશ્તી વો બારિશ કા પાની. ગઝલ સમ્રાટ જગજીત સિંહનો જન્મ રાજસ્થાનના શ્રીગંગાનગરમાં 8 ફેબ્રુઆરી 1941માં થયો હતો. તેમનું બાળપણનું નામ જીત હતું, પરંતુ જગતના કરોડો ચાહકોના દિલ જીતનારા જીત સાહેબ થોડા જ દસકાઓમાં જગજીત સિંહ તરીકે પ્રસિદ્ધિ પામ્યા. ગુમસુમ યે જહાં હૈ હમદમ તુ કહાં હૈ. દુનિયાભરમાં લાઈવ કોન્સર્ટ કરી ભારતીય ગઝલને વિશ્વમાં પહોંચાડનારા ગઝલ ગાયકોમાંના એક જગજીત સિંહ હતા. પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી અટલ બિહારી વાજપેયીના કેટલાક પ્રસિદ્ધ કાવ્યોને જગજીત સિંહે કમ્પોઝ કરી એક આલ્બમ તૈયાર કર્યું. જગજીત સિંહે હિન્દી, ઉર્દુ, પંજાબી, નેપાળી ઉપરાંત ગુજરાતીમાં પણ કેટલીક ગઝલો ગાઈને એમને યાદગાર બનાવી છે. દુનિયાભરમાં ફેલાયેલા ગઝલ સમ્રાટના ચાહકોએ આજે સોશિયલ મીડિયામાં એમને યાદ કર્યા હતા. ફેસબુક અને ટ્વિટર પર આજે હેશટેગ જગજીત સિંહ ટ્રેન્ડ શરૂ થયો છે. પ્રસિદ્ધ ગઝલ લેખક નિદા ફાઝલીએ એમને શ્રદ્ધાંજલિ આપતા કહ્યું હતું કે જો આતા હૈ વો જાતા હૈ, પર કોઈ મોત એસી હોતી હૈ કે વો હકીકત હોતે હુએ ભી જી જાતા હૈ કે સચ ન હો. એક મુસાફિર કે સફર જૈસી હૈ સબકી દુનિયા, કોઈ જલ્દી મે કોઈ દેર સે જાને વાલા, જિંદગી કી તરહ મોત ભી એક હકીકત હૈ, જો આતા હૈ વો જાતા હૈ. લેકિન કભી કભી કોઈ મોત એસી હોતી હૈ જો હકીકત હોતે હુએ ભી જી જાતા હૈ સચ ન હો, ઓર વો મોત હૈ જગજીત સિંહ કી. ભારતીય સંગીત અને ગઝલ ગાયકીમાં પોતાના ઉત્કૃષ્ટ પ્રદાન બદલ જગજીત સિંહજીને ભારત સરકાર દ્વારા વર્ષ 2003માં પદ્મભૂષણથી નવાજવામાં આવ્યા હતા. 10 ઓક્ટોબર 2011માં જગજીત સિંહ આ દુનિયા છોડી ચાલ્યા ગયા, પરંતુ પોતાના ચાહકોના હૃદયમાં તેઓ હંમેશા જીવંત રહેશે. સોશિયલ મીડિયા ડેસ્કથી ઋષિકુમાર પંડ્યાનો સ્પેશિયલ રિપોર્ટ.
बुलेटिन समाप्त करें। नमस्कार।